छत्तीसगढ़ के कई शहरों में सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस बार केंद्रीय एजेंसी की आमद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी घोटाले को लेकर हुई है। सीबीआई की टीम ने घोटाले की जांच के सिलसिले में बुधवार को बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी में रेड डाली। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला तो दुर्ग में पूर्व गवर्नर के सेक्रेटरी अमृत खलको और धमतरी में सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी के घर टीम पहुंची। जानकारी के अनुसार सभी से घोटाले के बारे में पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम ने राजभवन के पूर्व सचिव अमृत खलको के रायपुर के स्वर्ण भूमि स्थित आवास और भिलाई के तालपुर स्थित घर पर छापा मारा है। राजभवन के पूर्व सचिव के बेटे और बेटियों का भी छत्तीसगढ़ राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2021 में चयन हुआ था। इसके अलावा सीबीआई ने राजेंद्र कौशिक के भिलाई सेक्टर 2 स्थित आवास पर भी छापा मारा है। राजेंद्र का भी सिलेक्शन सीजीपीएससी एग्जाम में हुआ था। सीबीआई की इस कार्रवाई से प्रदेश भर में हलचल मच गई है और इससे सीजीपीएससी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अधिकारियों ने घोटाले की गहराई से जांच करने का आश्वासन दिया है और इस मामले में जल्द ही ठोस कदम उठाने की भी बात कही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 170 पदों की चयन सूची 11 मई 2023 को जारी की गई थी। इसमें टॉप 15 नामों में भाई भतीजावाद का आरोप लगा था। इसी मामले को बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था और पूर्व की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा था। सीबीआई अब छत्तीसगढ़ में जगह जगह छापेमारी कर रही है, क्योंकि 2021 में जब भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में थी कांग्रेस की, उस वक्त पीएससी घोटाला हुआ था। पढ़े लिखे बेरोजगार जब एग्ज़ाम दिए थे तो उनका नाम चयन सूची में ना आके राज्य में जो वरिष्ठ अधिकारी है, नेता, राजनेता हैं, उनके बच्चों का हुआ था। यानी 15 नाम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आज वो बच्चे चयन हो चुका है डिप्टी कलेक्टर में और सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में विभिन्न जगह छापेमारी की है। ये मैं बताना चाहता हूँ, दुर्ग जिले के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के तालपुरी स्थित छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल के सचिव रह चुके हैं और अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं अमृत खलको के, यह बंगला है, ये बिलाई के तालपुरी में है। इनके अभी छापा सीबीआई ने मारी है सुबह, और क्या दस्तावेज अंदर निकल रहे हैं तो समय बताया जाएगा, क्योंकि जब अमृत खलको जी राजभवन में सचिव थे तब उनके पुत्र और पुत्री का चयन डिप्टी कलेक्टर रैंक में हुआ था, जो एक भ्रष्टाचार को जन्म देता है। सीबीआई आज बिलाई दुर्ग में अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है छत्तीसगढ़ सहित, क्या दस्तावेज मिलता है ये तो समय बताया जाएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, बिलाई।